नमस्कारम, मेरा नाम मेघा गंगराड़े है और मैं एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने अपना कोर्स DAVB देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ योगा से कंप्लीट किया है। आज हम योग के बारे में जानेंगे, योग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इसकी हम कुछ भ्रांतियों के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या भ्रांतियाँ और हम इसे दूर करेंगे। आज जैसे ही हम योग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? इस प्रश्न का उत्तर हम दो आयु के वर्गों में दे सकते हैं। पहले 20 से 25 साल तक के जो व्यक्ति होते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं योग क्या है तो वो कहते हैं योग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, वेट लॉस, आसन, प्राणायाम। और अगर हम यही प्रश्न 35 साल से ऊपर वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि योग क्या है तो वो कहते हैं योग मतलब कपालभाति, अनुलोम विलोम। ऐसा नहीं है कि ये सब योग नहीं है, पर ये एक योग का हिस्सा है, ये सब योग के अंतर्गत आता है। एक्चुअल में योग क्या है हम इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम योग की कुछ भ्रांतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी भ्रांति यही होती है लोगों को कि योग सिर्फ मोटे लोगों को करना चाहिए, दुबले लोगों के लिए तो योग है ही नहीं। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप इतने दुबले हो, आपको योग करने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों इतना वर्कआउट करते हो, आप तो फिट हो। जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फिटनेस की डेफिनेशन है वो यही है कि जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली फिट है वही फिट है। अब आप खुद का एनालिसिस करिए और देखिए क्या आप इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, क्या आप फिट हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है लोगों को कि सिर्फ बीमार लोगों को ही योग करना चाहिए जिसे कोई बीमारी हो, जबकि ऐसा भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये भी होती है कि हमें कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर अस्थमा हो, हम सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे तो हम हमारी उस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हर बीमारी के लिए अपना अपना एक ग्रुप ऑफ आसन है। अगर आपको हाई BP है तो उसका एक आसन का पैकेज अलग है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके आसन अलग है। जैसे कोई एक व्यक्ति है उसे हाई BP और अस्थमा दोनों हैं, अब कपालभाति और अनुलोम विलोम से आप सोचते हैं हम इन दोनों डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाई BP वाले को कपालभाति अवॉइड करना है, जबकि वही कपालभाति अस्थमा वाले के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आपको आसन प्राणायाम करते समय सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, हाई BP है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, तो उन्हीं के ग्रुप ऑफ आसन्स करें और सावधानियां रखते हुए करें। आपको पता है आपकी हीलिंग आप खुद कर सकते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट क्रॉनिकल स्टेज पे नहीं होती है, वो स्टार्ट होती है तभी हमें पता चल जाता है। जब हमें बुखार आने वाला होता है तो हम पहले ही हमें पता चल जाता है, हमें सर्दी होती है, गला दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तो हम पहले ही बोलते हैं कि हमें बुखार आने वाला है। वैसे ही अगर हमें सपोज साइटिका या सर्वाइकल का पेन है तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हमें MRI या एक्सरे करते हैं, बताते हैं कि आपको ये दर्द है, स्टार्ट हो गया है, फिर भी हम लापरवाही करते हैं। और क्यों हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा 20-30% जो पेन है वो जब तक 80-90% तक ना पहुंच जाए तब हम योग का सहारा लें या फिर तब हम थेरेपी कराएं। अगर हम इसे स्टार्टिंग में ही क्योर कर लेंगे तो क्रॉनिकल की नौबत ही नहीं आएगी। और आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ आपको सावधानियां रखनी है कोई भी आसन और प्राणायाम करते समय। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, 2 घंटे नहीं है। आपको 2 घंटे नहीं देने हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हर डिसीज़ का एक ग्रुप ऑफ आसन है, उतना ही टाइम आपको उतने ही आसन करने हैं और मुश्किल से 45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा करने में। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार उन लोगों के लिए मैं बताने वाली हूँ जिन्हें कोई डिसीज़ नहीं है, लाइक हाई BP हो गया, अस्थमा, डायबिटीज़ नहीं है, जो फिज़िकली फिट हैं, जिन्हें घुटनों में दर्द नहीं है, जिन्हें हर्निया नहीं है, उनके लिए आज ये सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। और वो लोग भी इसे कर सकते हैं जो हेल्दी हैं बट जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम सूर्य नमस्कार देखते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन सीधी, सामने देखना है, दोनों हाथों को इस तरह से लेकर आना है, सामने मिलाकर रखना है नमस्कार मुद्रा में, फिर दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे पीछे आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है,
ये आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना आपको बैंड होना है। उसके बाद धीरे से सामने की तरफ आना है, या तो दोनों हाथ साइड में रख लीजिए या अंगूठों को इस तरह से लॉक बना लीजिए फिंगर से, और सिर आपका घुटनों से लगाना है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही करना है, ठीक है। दोनों हाथ साइड में रखने हैं, उल्टा पैर पीछे ले जाना है, सीधा पैर इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना के रखना है और गर्दन ऊपर की तरफ। अब इस पैर को पीछे लेके जाना है, पैर के पास रखना है इस तरह से, जो पुशअप पोजीशन होती है उसमें हमें रुकना है। फिर पहले दोनों घुटनों को टिकाना है, चेस्ट टिकाइए और चिन टिकाइए, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, बॉडी से लगाकर दोनों पैर फ्लैट करिए, सिर नोज और चिन को टच करते हुए पीछे की तरफ जाइए। फिर दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे लेकर आना है, एड़ी टिकाने की कोशिश करनी है और सिर इस तरह से अंदर की तरफ। फिर उल्टा पैर लेकर आना है दोनों हाथों के बीच में और ऊपर की तरफ देखना है। फिर सीधा पैर उसके पास रखना है, वापस हमें घुटनों से सिर को लगाना है, फिर हमें वापस पीछे की तरफ जाना है और वापस से नमस्कार मुद्रा बनानी है। ये सूर्य नमस्कार उन लोगों के लिए था जो फिजिकली फिट हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है। अब जो बहुत ज़्यादा फैटी हैं और जिन्हें कोई डिसीज़ नहीं है, उन्हें दिक्कत हो जाती है कि हम सूर्य नमस्कार के आसन किस तरह से करें, तो हम उनके लिए थोड़ा सा आसान बनाते हैं। ये नमस्कार मुद्रा आपने की, इस तरह से आप खड़े हैं फर्स्ट पोजिशन। सेकेंड में आपको जब पीछे जाना है, तो आप अगर पैर मिला के पीछे जाते हो और आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, तो आप पैरों को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ठीक है। फिर हाथ ऊपर करके आपको पीछे की तरफ झुकना है। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत हो रही है तो कमर पे हाथ रखिए और कमर को इस तरह से थंब से सपोर्ट करके जितनी आपसे बैकवर्ड बेंडिंग हो सकती है उतना पीछे की तरफ झुक जाइए। इसी पैरों को इसी तरह से ओपन रख के सामने की तरफ झुकी है। बहुत सारे मोटे लोग होते हैं जिनकी टमी के कारण उन्हें नहीं झुके जाते हैं, तो आपको घुटने मोड़ के फ्लोर को टच करने की कोशिश नहीं करना है, घुटने सीधे रखने हैं। हाथ आपके जहां तक जा रहे हैं वहीं तक ले जाइए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डेली खुद को पुश करना है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप ये आसन प्रॉपर कर पाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, उल्टे पैर को पीछे रखिए और घुटना नीचे टिका दीजिए और इस तरह ऊपर देखिए। फिर इस पैर को इस पैर के पास रखिए। अगर आप ये पुशअप पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस तरह से घुटने टिका कर भी कर सकते हैं। फिर धीरे से आप चेस्ट टिकाइए और चिन टिकाइए, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, बॉडी से लगाकर दोनों पैर फ्लैट करिए, सिर नोज और चिन को टच करते हुए पीछे की तरफ जाइए। फिर दोनों पैरों को धीरे से सपोर्ट के साथ इस तरह से पर्वत आसन बनाइए, जितना आपसे हो सकता है उतना। वापस आप सीधे पैर को टिका दीजिए, धीरे से उल्टा पैर आगे लेकर आइए और ऊपर देखना है। फिर आपको सीधा पैर सामने की तरफ लाना है और डिस्टेंस रखना है पैरों में, और फिर आप झुकिए नीचे। वापस अगर आपको हाथ ऊपर की तरफ ले जाते नहीं बन रहा है, तो कमर पर हाथ रख के पीछे की तरफ बैंड हो जाइए और वापस नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। इस तरह से अगर आप हेल्दी हैं तो आप इस तरह से थोड़ा सा आसान तरीके से कर सकते हैं। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी तो आप इसे फिर धीरे धीरे प्रॉपर कर पाएंगे। आज आपने हमारे योग कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार देखा, ये आपको कैसा लगा ऊपर दिए नंबर पर हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, निरोगी रखिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।